यूट्यूब के लेटेस्ट वीडियोज, ब्रेकआउट स्टॉक्स और जो कुछ भी मैं यहां शेयर नहीं कर पा रहा हूं, साथ साथ स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट न्यूज के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही साथ आप टेलीग्राम पे स्टॉक बाजार ओरिजिनल सर्च करें और इस तरह का कुछ आइकन दिखेगा, उसे ज्वाइन कर लें। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स बाजार में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में और कंप्लीट रूप से जानेंगे उस शेयर के बारे में। देखिये दोस्तों, हम जो भी शेयर यहाँ आपको बताते हैं वो काफी बेहतरीन होते हैं, जिसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम आपको बेस्ट एंट्री लेवल्स भी बताते हैं। इस वीडियो हम कंप्लीट रूप से इस शेयर के बारे में जानेंगे। ये शेयर है SRF लिमिटेड। SRF लिमिटेड काफी बेहतरीन शेयर है और इसके बारे में हम जानेंगे, इसके बिजनेस के बारे में जानेंगे। अगर सबसे पहले बिजनेस प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए, रेवेन्यू जो कंपनी जनरेट करती है केमिकल सेक्टर से जो जनरेट किया है 3645 करोड़ का, पैकेजिंग फिल्म से जनरेट किया है 3292 करोड़ का, टेक्निकल टेक्सटाइल से जनरेट किया 1240 करोड़ का, और वहीं अदर बिजनेस जो है जैसे क्वेटेड फैब्रिक्स है, लिमिटेड फैब्रिक्स है, इससे कंपनी ने जनरेट किया है 232 करोड़ का। तो इस तरह से कुल चार वर्टिकल्स हैं कंपनी के बिजनेस का। अब जैसे बात करें केमिकल में भी दो केमिकल है, एक स्पेशलिटी केमिकल, दूसरा फ्लोरोकेमिकल्स। तो इस तरह से कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। तो काफ़ी डाइवर्सिफाइड बिजनेस के साथ कंपनी काफ़ी बेहतरीन बिजनेस करती है। अब बात करें मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का, तो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है फ्लोरोकेमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स के दो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, टेक्निकल टेक्सटाइल के चार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं, और पैकेजिंग फिल्म इसके देख सकते हैं कि तीन जो है कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, और इंटरनेशनल ऑपरेशन भी कंपनी का, जैसे आपको यहाँ पर हो गया साउथ अफ्रीका में, फिर यहाँ पर थाईलैंड में, फिर यहाँ पर हंगरी में, तो तीन अदर कंट्रीज है। तो कुल चार कंट्रीज हो गया, एक अपना देश भारत हो गया और तीन अलग कंट्रीज है जहाँ पर कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। उसके बाद है लेमिनेटेड फैब्रिक्स, इसका कंपनी का उत्तराखंड में प्लांट है, फिर क्वेटेड फैब्रिक्स यहाँ तमिलनाडु में कंपनी का प्लांट है। तो कुछ इस तरह से कंपनी का जो बिजनेस है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। कंपनी जो मार्केट लीडर है अक्रॉस दी बिजनेसेस, मतलब कई सारे बिजनेसेस में, जिसमें देखिए यहाँ पर थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कंपनी फैब्रिक्स में, जो बेल्टिक फैब्रिक्स है, 40% का मार्केट शेयर रहता है इंडिया के नायलॉन टायर में। साथ ही साथ कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट प्लेयर है ग्लोबली नायलॉन टायर में। तो इस तरह से कंपनी का जो बिजनेस है वो देख सकते हैं काफ़ी डाइवर्सिफाई होने के साथ साथ काफ़ी कंपनी जो है मार्केट को लीड भी करता है। तो कंपनी का जो रेवेन्यू जनरेट हुआ होता है वो अलग अलग सेक्टर से होता है, जिसमें देखिए यहाँ पर जो केमिकल सेक्टर है उससे जो कंपनी जो है फाइनेंशियल ईयर 21 में 45.6% केमिकल से जनरेट किया है, और वहीं पर बात करें जो पैकेजिंग फिल्म्स है उसे 43.8%, और वहीं पर बात करें जो टेक्निकल टेक्सटाइल है उसे 9.1%, और जो अदर बिजनेसेस है जिसमें क्वेटेड फैब्रिक्स भी आता है उसमें 1.5%। तो कुछ इस तरह से रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन रहा है फाइनेंशियल 22, अभी तो हाफ ही कंप्लीट हुआ है, तो मतलब एक ही क्वार्टर कंप्लीट हुआ है। बात करते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स का, तो साथ कंपनी के बारे में भी आप पढ़ सकते हैं कंपनी के वेबसाइट पर, या यहाँ पर एक मिनी विकिपीडिया, ये छोटा विकिपीडिया है skinner.in पे, यहाँ पे भी आप कंपनी के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए एस्टेब्लिश हुआ 1970 में, SRF लिमिटेड केमिकल बेस्ड मल्टी बिजनेस एंटिटी है, जो इसका डाइवर्सिफिकेशन आपने देख ही लिया, स्पेशलिटी केमिकल, फ्लोरोकेमिकल, पैकेजिंग फील्ड, टेक्निकल टेक्सटाइल और कोएटेड और लेमिनेटेड फैब्रिक्स में है। तो काफ़ी बेहतरीन बिजनेस है, कंपनी का रेवेन्यू भी आपने देख लिया। तो यहाँ पर मार्केट कैप की बात करें 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, मतलब एक लार्ज कैप कंपनी है और वेल एस्टेब्लिश है अपने बिजनेस में। करेंट प्राइस की बात करें 8,857 रुपीज़ के आसपास का है। डिविडेंड की बात करें 0.27% का है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 18%, रिटर्न ऑन इक्विटी 20.3%, प्रमोटर्स होल्डिंग 50.8%, कोई भी शेयर प्लेज नहीं है। डेट टू इक्विटी 0.51 का है, मतलब टोटल जो डेट है कंपनी के ऊपर 3,469 करोड़ का है। और बात करें रिजर्व का, तो 6,794 करोड़ का कुल रिजर्व है कंपनी के पास। तो इस तरह से कंपनी जो है काफ़ी बेहतरीन फंडामेंटल्स रखती है। और वहीं पर बात करें एनालिसिस का, तो यहाँ पर प्रोज और कॉन्स की बात करें, प्रोज में कंपनी जो है गुड क्वार्टर रिजल्ट दिया है, कंपनी का CAGR जो है प्रॉफिट ग्रोथ का वो है 22.86% का, और कंपनी का जो कॉन्स है निगेटिव चीज़ें हैं, 7.66 टाइम्स अपने बुक वैल्यू पर ट्रेड कर रहा है। कंपनी का जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, अगर बात करें कंपनी के प्रॉफिट और लॉस का, तो यहाँ पर जो टॉप लाइन ग्रोथ है 2010 में जो टोटल सेल्स था 2,499 करोड़ का,
और जो कंपनी का सेल्स है लगातार बढ़ता गया और यहाँ पर 2021 में हो गया 8,400 करोड़ का। तो इस तरह से देखते हैं टॉप लाइन ग्रोथ काफ़ी बेहतरीन है कंपनी का। अगर बॉटम लाइन ग्रोथ की बात करें, नेट प्रॉफिट जो कंपनी का 324 करोड़ का है यहाँ पर नेट प्रॉफिट 2010 में, और यहाँ से लगातार इंक्रीज होता हुआ, थोड़ा सा बीच में डिक्रीज भी हुआ था, लेकिन ओवरऑल कंपनी का यहाँ देख सकते हैं 2021 के फाइनेंशियल में हो चुका है 1,198 करोड़ का जो टोटल बॉटम लाइन ग्रोथ है। तो काफ़ी बेहतरीन ग्रोथ दिखाया इस कंपनी ने। और अगर वहीं पर बात करें कंपनी के सेल्स ग्रोथ का, तो 10 ईयर्स में 9% के CAGR से ग्रो हुआ है और 5 ईयर्स में 13% के CAGR से सेल्स ग्रोथ हुआ है, और प्रॉफिट ग्रोथ 9% के CAGR से 10 ईयर्स में, 5 ईयर्स में 23% के CAGR से, और प्राइस ग्रोथ की बात करें 41% का CAGR है 10 ईयर्स में, और 5 ईयर्स में भी 41% का। मतलब एक कांस्टेंट रूप से कंपनी जो है लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन रिटर्न क्रिएट कर दिया है अपने इन्वेस्टर को। अब वहीं बात करें बैलेंस शीट का, तो कंपनी का जो बैलेंस शीट है, तो देखिए यहाँ पर शेयर कैपिटल है 60,000 करोड़ का, और वहीं रिजर्व की बात करें तो कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है, 1,212 करोड़ का था 2010 में, यहाँ से रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ और 2021 में हो चुका है 6,794 करोड़ का। तो इस तरह से कंपनी का जो रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है, कंपनी का शेयर कैपिटल भी इंक्रीज हुआ है। बात करें कैश फ्लो का, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो रहा है कंपनी का, लगातार इंक्रीज देखने मिला है। लॉन्ग टर्म में अगर हम बात करें, देखिए शॉर्ट टर्म में गिरावट भी हुआ था, लेकिन लॉन्ग टर्म में कंपनी कैश फ्लो तो जनरेट किया ही अपने बिजनेस से, साथ साथ कैश फ्लो में काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज भी देखने मिला है। देखिए यहाँ पर 2010 में 571 करोड़ का था, और अभी देखिए एवरेज रूप से ये लगभग 1,772 करोड़ पहुंच चुका है, यहाँ से लगभग ट्रिपल हो चुका है। तो इतना ज़्यादा फ्री कैश फ्लो में इंक्रीज देखने मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो लगभग यहाँ पर 18% का दिख रहा है। डेबिटर्स डेज 55 का है और इन्वेंट्री टर्नओवर 3.55 का है। तो काफ़ी बेहतरीन है ये सारे पैरामीटर्स पे ये कंपनियाँ। इन्वेस्टर की बात करें, प्रमोटर्स होल्डिंग जो है 50.77% का है, और FIs का होल्डिंग 18.39 का है, DIs का होल्डिंग 11.90 का है, और पब्लिक का होल्डिंग बात करें 18.94 का है। तो हर पैरामीटर्स पे ये कंपनी काफ़ी बेहतरीन दिख रही है। तो ऐसे सॉलिड कंपनियों में आपको जरूर इन्वेस्ट करनी चाहिए किसी भी गिरावट में। अब यहाँ पर बात करें अगर टेक्निकल चार्ट का, देखिए चार्ट काफ़ी बेहतरीन है। अगर लॉन्ग टर्म का चार्ट देख रहे हो तो आप वीकली और मंथली चार्ट देखेंगे, ये चार्ट पे काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, चार्ट के लिए कभी सोचना ही नहीं है। देखिए सबसे पहले हम डेली चार्ट पे बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कंपनी जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है। तो अगर ये रिटेस्ट करता है इस लेवल को, देखिए ये ट्रेंड लाइन है, ये इसका अपर लेवल था, यहां से ब्रेकआउट दिया स्टॉक ने, तो इस ट्रेंड लाइन के आसपास जब भी आता है, देखिए ये ट्रेंड लाइन तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, ट्रेंड लाइन चार्ट पे आपको लगाना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कब ट्रेंड लाइन के आसपास ये यहाँ से रीटेस्ट कर सकता है। इस ब्रेकआउट जो यहाँ पर दिया ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, इसको रीटेस्ट कर सकता है, ट्रेंड लाइन के आसपास आता है तो आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं। अगर और कभी ज़्यादा गिरावट आता है तो इसका जो सपोर्ट प्राइस यहाँ पर होगा, जो लॉन्ग टर्म में ज़्यादा से ज़्यादा गिर सकता है, वो सपोर्ट लेवल आपका यहाँ पर होगा 7,200 का। 7,200 पे आता है तो आप इसमें एंट्री ले सकते हैं, मतलब जितना गिरावट में मिले उतना बेहतरीन है। और अगर यहाँ पर ऊपर निकलता है ये 9,150 के, तो फिर आप इस स्टॉक में बने रहिए, लॉन्ग टर्म में काफ़ी बेहतरीन आपको रिटर्न क्रिएट करके ये स्टॉक्स देगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, चाहे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह के एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।